नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार के छपरा में 25 लोगों की जहरीली शराब से हुए मौत के बाद अब ये मामला जो है वो तुल पकड़ने लगा। सियासत भी गरमाने लगी और काफ़ी ज़्यादा विपक्ष के तरफ से सरकार के लिए हमला होने लगा कि इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार पूरे दावे के साथ कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है, वहीं एक तरफ अगर देखा जाए तो आए दिन ये देखता है कि उनकी ये शराबबंदी की जो कोशिश है वो पूरे तरीके से बिहार में विफल हो चुकी है। क्योंकि आए दिन ये खबर हमें मिलती है कि अक्सर लोगों की जहरीली शराब से मौत हो रही है। तो ये चीज़ जो है अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल चुका है जो अब सरकार को इस बात पे वो घेरने लगी है और सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसी दौरान हाजीपुर में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इस आयोजन का उद्घाटन करने वहाँ बिहार सरकार के मंत्री और राजद नेता समीर महासेठ ने शिरकत की। इस दौरान जब पत्रकारों से सवाल जवाब में उनसे पूछा गया कि 25 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होने की खबर सामने आई है, तो उस पर उन्होंने एक अजीब दलील दी है अपनी। उनकी प्रतिक्रिया से वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने बड़े ही आसानी से कहा कि लोगों को अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए, जिसके कारण जहरीली शराब का असर उनके बॉडी पे नहीं पड़ेगा। तो पहले तो आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुने। कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में, सब गलत लोग दे रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, जिसका शरीर का पावर है। स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीजों को त्याग करें, क्योंकि प्रोविजन है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। तो देखा आपने किस तरीके से मंत्री ने बड़े आसानी से कहा कि बिहार में अगर एक नंबर की शराब मिलती नहीं है तो लोग पीते क्यों हैं, और अगर आपको अगर शराब का असर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी पे ना पड़े तो उसके लिए खेल कूद से आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं और जहरीली शराब का असर जो है वो आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। तो ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर इस तरीके की दलील वो कैसे दे रहे हैं। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया इस पे विपक्ष की तरफ से आती है या फिर आगे क्या कुछ बोला जाता है, वो हम आपको अगले अपडेट में बताएंगे। लेकिन फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।